हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि काश ये वीडियो मेरे टाइम पे बना हुआ था तो मुझे भी पता होता कि इंडिया से आते वक्त कौन कौन सी चीज पैकिंग में लानी चाहिए, ना कि मैं जो फालतू की चीजें लाया हूँ वो लाता। तो ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि आप स्टडी परमिट पे आते हो तो आपके कौन कौन सी चीज आपकी होम कंट्री से लानी चाहिए, अगर कोई वर्क परमिट पे हो, कोई पीआर पे आने वाला हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ये वीडियो के लिए हमने जो भी सारी पैकिंग की लिस्ट है उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सेकंड मेडिसिन, थर्ड यूटेंसिल्स, फूड, क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये हम पूरे वीडियो में दिखाएंगे, तो मिस भी मत करना और पूरा वीडियो देखना और कमेंट। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, वरना आप कोई चीज मिस कर जाएंगे और गलत चीजें अपने होम टाउन से लेके आएंगे और यहाँ आपको फिर वो बहुत महंगे प्राइस में खरीदनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड द सेकंड इज द ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में मुझे लगता है सबसे जरूरी है पासपोर्ट। पासपोर्ट सबसे जरूरी है, तो आप जब भी घर से निकले मस्ट चेक पासपोर्ट, क्योंकि उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सेकंड, द सेकंड इज द फ्लाइट टिकट। या फ्लाइट टिकट, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लाइट टिकट देखना। बाद हम जरूरी है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। हाँ, तो मैं स्टडी परमिट पे आया था तो मुझे पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इज। तो डॉक्यूमेंट में आप 10th और 12th की मार्कशीट लेके आना, और आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी लेके आना, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जो होता है वो लेके आना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और या अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आर योर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट। या इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट जो आपकी कॉलेज में से आपको प्रोवाइड हुआ है, जैसे कि आपने GIC पे किया है, उसकी रिसिप्ट हो गई, कॉलेज का एडमिशन लेटर हो गया, और जो आपको JCK में से आपको जैसे कि स्टडी परमिट पे है तो स्टडी परमिट का आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है, वो आप लेके आना। बायोमेट्रिक का लेटर लाना मत भूलिएगा, और प्रूफ ऑफ फंड भी साथ में आप लेके आइएगा। हाँ। और आप वर्क परमिट पे हो तो वर्क परमिट के जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो वो लेके आइएगा, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाना जरूर। अभी हम आएंगे ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में मेडिकल, मेडिकल रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है तो उसकी फाइल जरूर लेके आना, और उसके साथ आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आना भी मत भूलिएगा, और पासपोर्ट साइज फोटोज, देन योर रिज्यूमे एंड ये सब ऑप्शनल चीज है। yeah. आप लोग ला सकते हो आपके हिसाब से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो, क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे तो यहाँ से आपको कॉस्टली आपका फोटो निकालना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली होगा। देन आपका रिज्यूमे, आप नए नए आए होंगे, यू डोंट हैव अ कार, सो आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा रिज्यूमे की प्रिंट आउट के लिए, सो इट विल सेव योर मनी। सो ऑप्शनल है। आप मास्टर टिप्स, वो क्या है, अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरूर से लेके आना, वो भी ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट जेरोक्स नहीं चलेगा। और उसके साथ आप DL एस्ट्रेक भी लाना मत भूलना, क्योंकि अगर आपके पास DL एस्ट्रेक है तो डायरेक्ट आप G2 एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप DL एस्ट्रेक लाते हो तो आप आके तुरंत ही ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज आपको 6 मंथ, 8 मंथ और 1 ईयर का वेट करना भी पड़ सकता है। ओके, तो हमारी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी क्या होगी? वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है मेडिकल। अगर आपको कोई भी, मतलब रेगुलर इधर ठंड होती है कनाडा में, तो इसी वजह से आप वॉमिटिंग, कफ, कोल्ड, स्टमक पेन के लाना, लेते वक्त जरूर से देखिएगा उसकी एक्सपायरी डेट एज लॉन्ग एज पॉसिबल होनी चाहिए, तो आप कंफर्टेबल होगे। और जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का और बिल लाना मत भूलिएगा, वरना आप जब आओगे यहाँ पे और आपका बैग चेकिंग होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर आपको वही होम टाउन पे छोड़ के आनी पड़ेगी। तो मस्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड बिल। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कनाडा में कोई भी ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं देता है, सो प्लीज जरूर मेडिसिन अपने जो भी है वो थोड़े थोड़े भी लेके आना, और इधर ठंड होती है तो कफ कोल्ड के लिए तो जरूर मेडिसिन। तो अंजलि, हमारी थर्ड कैटेगरी क्या रहेगी? थर्ड कैटेगरी में हमने इसे बाइफरकेट किया हुआ है क्लोथ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, जिसमें हम लोगों को 2 फॉर्मल लाने, फिर 2 कैजुअल्स लाने, जैसे कि आप अगर स्टडी परमिट पे आए हो तो उसके लिए अगर मीटिंग है या फिर कोई इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर वर्क परमिट पे हो तो आप 2-3 जोड़ी ला सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप फंक्शन में जाओगे ये वो,
सो मैं तो बोलूंगा आप जितने कम हो सके उतने क्लोथ्स अवॉइड करना, क्योंकि आप इंडिया से भी क्लोथ्स लेके आओगे, देन अगेन यू कम हियर बाय अ न्यू क्लोथ्स, सो डबल टाइम आपको कॉस्ट होगी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, कनाडा में भी बहुत सस्ते और अच्छे वाले कपड़े मिल जाते हैं और हम लोगों को अच्छा ही लगता है शॉपिंग करना। तो मेरा सजेशन है कपड़े इतने मत लाना, लेकिन जितना जरूर हो उतना ही लाना। और अनली वो वुलन के बारे में, या वुलन में हम इधर से इंडिया के जो भी जैकेट्स है वो नहीं चलते हैं, लेकिन ठंडी से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही हम एक जैकेट लेके आना, और थर्मल जरूर से लेके आना, थर्मल मत भूलना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे। जैसे कि हम अभी है, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे आपको टोरंटो दिख रहा होगा, ओसियन टावर है, तो हम ओंटेरियो प्रोविंस में से, तो यहाँ की ठंडी से हिसाब से हम बताएंगे। अगर आप कोई अलग प्रोविंस में जा रहे हो तो उधर का वेदर देख लीजिएगा। और हाँ, अंडरगारमेंट्स लाना जरूर, वो भी एक दो नहीं 15-17 जोड़ी लेके आना। Yes, क्योंकि इधर as much as possible आप लेके आना। हाँ, क्योंकि इधर ऐसा होता है वॉशिंग का थोड़ा इश्यूज होते हैं, पे करके वॉश करना पड़ता है, तो इसी की वजह से आप हर बार कंटिन्यूसली वॉश नहीं कर पाओगे, तो 15 या 17 जोड़ी अंडर गारमेंट्स प्लीज जरूर लेके आना। आपको ही आपकी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, सो प्लीज फॉलो दिस वन। और आप फुटवेयर और वो जितने कम हो सके उतने लेके आइएगा, जस्ट वन पेयर, सो इट्स गुड थिंग्स। और ऑल्सो पिलो कवर एंड बेडशीट एक एक लेके आओगे, और कम्फर्टर भी लेके आना जरूर, और हो सके तो उसको वैक्यूम करवा लेना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका वेट उतना कम होगा, आपको बैग में उतनी स्पेस बचेगी। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आप सनग्लासेस पहनते हो या तो ग्लास नंबर वाले ग्लासेस है, तो इंडिया से दो पेयर लेके आना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बहुत कॉस्टली है आपके ग्लासेस, और फ्रेमिंग भी बहुत कॉस्टली होती है, तो इसी वजह से प्लीज जरूर आपके 2 या 3 फ्रेम की और स्पेक्स की जोड़ी लेके ही आना। मैं एक छोटी सी टिप, प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप जैसे कि इंडियन एयरलाइंस प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस में आपको 3 बैग्स अलाउ करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा आते हो एज अ स्टूडेंट, 23, 23, 23। अदर एयरलाइंस में आपको सिर्फ 2 ही, अदर एयरलाइंस में सिर्फ आपको 2 ही बैग अलाउज होगी, तो आपको पूरा कंजेस्टेड सामान रखना पड़ेगा और नई बैग के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और वेट भी कम होगा। सो प्लीज अगर आप आ रहे हो और आपके पास लगेज ज्यादा होने वाला है तो ये गाइडलाइंस फॉलो कीजिएगा। अदर एयरलाइंस आर ऑल्सो गुड, बट दे आर जस्ट लाइक लिमिटेड बैगेजेस। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है फूड। फूड में क्या क्या लाना है डिपेंड्स, आप स्टडी परमिट पे आए थे, मैंने आपको बहुत सारा फूड दिया था, आपको पता है। अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो मेक श्योर करें आप 1 मंथ तक का जो फूड है, जैसे कि रेडी टू कुक एमटीआर के पैकेट्स है, या तो मैगी मसाला है, या थोड़े थोड़े स्पाइसी से वो लेके आइएगा, क्योंकि आपको फैमिलियर होने में टाइम लगेगा, आपको ग्रोसरी स्टोर नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग के डेज में, तो 1 मंथ तक का लेके आइएगा। वंस आप फैमिलियर तो आप यहाँ पे सब स्पाइसेस इंडियन फूड अवेलेबल है, बट 1 मंथ तक का लेके आना जो बेसिक थिंग्स आपको लगती है वो। लेकिन रेडी टू कुक के सारे खाने के फूड, जैसे कि पनीर बटर मसाला की सब्जी होती है, और मैगी के पैकेट्स होते हैं, और हमारे स्पेशली इंडियन स्नैक्स होते हैं, जो बहुत आपको काम आने वाले हैं, प्लीज जरूर लेके आइएगा। और नेक्स्ट थिंग मैं जो बताना चाहूंगा कि अगर आप कॉफी या टी लवर हो तो उसके हिसाब से कॉफी और टी का सामान थोड़ा लेके आएगा, क्योंकि वो कैफीन आपको एनर्जाइज करते हैं मॉर्निंग में, जैसे आप कॉलेज या जॉब पे जाते हो, तो दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, सो वो थोड़ा लेके आइएगा। मुझे तो टी बहुत पसंद है और मुझे इधर बहुत तकलीफ हुई थी, सो प्लीज डेफिनेटली टी अगर पीना हो अगर आपको, तो डेफिनेटली टी के लिए आप लेके आना इधर। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। दीपांशु, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लाना होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिकली बताऊंगा कि अगर आपके पास आपके होम टाउन में ही फोन लैपटॉप है तो वो लेके आएगा, अगर नहीं है तो नया परचेस करने की ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको, जैसे कि आप सिम कार्ड लेने जाओगे तो सिम कार्ड के साथ आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है फोन की और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो वो आप यहाँ से अच्छी ब्रांड का ले सकते हो, सो वो अगर आप नहीं खरीदा है तो अवॉइड कीजिएगा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर टिप्स मैं देना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सल चार्जर लेके आइएगा, क्योंकि प्लग अलग अलग होते हैं, एयरपोर्ट पे भी आप आओ जाओगे तो अलग होते हैं, तो फोन चार्ज करने के लिए बहुत यूज टू होगा, तो 2 कंपलसरी यूनिवर्सल चार्जर आपके बैग में रख दीजिएगा। और या सेफ्टी के लिए पावर बैंक भी लेके आना, पावर बैंक डेटा केबल भी लेके आना। और यहाँ पे कॉस्टली चीज मिलती है आपका स्क्रीन गार्ड
और फोन का कवर बहुत कॉस्टली, $20 to $50 तक आएगा। उससे अच्छा आप एक दो अपने होम टाउन से लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी बैटरी वाला सामान है, आप ट्रैवल कर रहे हो कनाडा हो या अदर कंट्री में, तो वो आपका हैंड बैग में रखिएगा। बैटरी वाला सामान हैंड बैग में रखिएगा, उसको गलती मत कीजिएगा लगेज बैग में रखने के लिए, वरना लगेज बैग में वो चला जाएगा, फिर वो सिक्योरिटी वाले आपको बुलाएंगे, परेशान करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। ऑलवेज बैटरी, जैसे कि मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, फिर पावर बैंक हो गया, आपको कैरी बैग में, हैंड बैग में ही कैरी करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स के बारे में बताना चाहूंगी, आप बेसिक कुकिंग यूटेंसिल्स लाओगे तो चलेगा, जैसे कि कुकर, प्रेशर कुकर हो गया, एक कढ़ाई हो गई, फिर एक पैन हो गया, तवा हो गया रोटी के लिए, फिर या सबसे इम्पोर्टेंट चक्का, बेलन और चक्का लेके जरूर आना, क्योंकि इधर बहुत कम मिलते हैं वो है। और या चॉपर भी याद रख के जरूर बैग में रख देना, वो बहुत हेल्प करता है चॉपिंग के लिए। और एक वो, जैसे कि यहाँ अपना इंडिया में तो गैस स्टोव डिफरेंट होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल होता है, तो रेगुलर स्टोव्स होते हैं, लेकिन कनाडा में मोस्ट प्रोबेबली सारी जगहों पे वो इंडक्शन स्टोव्स होते हैं, तो जरूर ध्यान से ये माइंड में रख के लाना, जो भी यूटेंसिल्स लाओ वो इंडक्शन स्टोव पे आप चला सको ऐसे ही लाना। कंडक्टिव यूटेंसिल्स लाना, रेगुलर वाले नहीं लाना, और बाकी सारी रेगुलर चीजें तो हमें डॉलरामा में से जल्दी से ही मिल जाएगी। हाँ, डॉलरामा, डॉलर की ट्री करके कनाडा में प्लेस है, वहां से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग दिनों में टाइम लगेगा वहां पे जाने में, लेने में, चीजें सीखने में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इस पे होना चाहिए, कनाडा में से सबसे चीप प्लेसेस कौन से जहाँ से हम लोग सामान खरीद सके। एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इस पे बनाएंगे, तो ये जरूर से देखना। तो अभी यूटेंसिल्स आप जितना कम ला सको उतना लाना, और बेसिक थिंग्स से लेके आना जो आपको जरूरत है, या एक प्लेट, बाउल और एक स्पून ऐसा भी आप लेके आओ, वो आप डॉलर आम से $1-$2 का मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग डेज में आपको जितना यूज टू हो सके उतना लेके आना, एक पर्सन के लिए इनफ जितना हो उतना याद करके लेके आना। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है हाइजीन। हाइजीन में आप अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, हेयर कॉम्ब, शैम्पू, ऐसा सब कुछ लेके आना। वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बड़ी बड़ी बॉटल लेके आओ, छोटी छोटी ही बॉटल लेके आओगे तो चलेगा। छोटा जो पैकेट्स आता है अपने मिलता है, वो ही लेके आना, बड़ी बॉटल्स अवॉइड करना, और डेफिनेटली उसको अच्छे से रैप करके लेके आना, वरना ट्रैवलिंग में आपको इश्यू होगा। हाँ, वो आपके कपड़े भी बिगाड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी खराब कर सकता है, तो उसको थोड़ा रैप कर दीजिएगा, अच्छे से रैप करके लाना। और बाकी जो आपके कॉस्मेटिक आप डेली में यूज करते हो वो लेके आना। तो हमने सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं पैकिंग के रिलेटेड वो हमने सारी बता दी है इस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसके आंसर जरूर देंगे। और मोस्टली मेन थिंग दीपांशु, दैट एप्लीकेशन अराइव कैन, या सो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि अराइव कैन एप्लीकेशन आपको भरनी है कि नहीं। जब आप कनाडा आओगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर और ट्रैवल वाले चेक कर सकते हैं। सो अगर आपके टाइम पे वो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। आपकी एयरलाइंस में फ़ोन कर लिए, सबसे इजी वे एयरलाइंस में फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा।